सनातन धर्म में महादेव की पूजा हो या प्रभु श्री राम जी का धार्मिक अनुष्ठान हो का बड़ा महत्व है, जिसको लेकर बल्केश्वर महादेव मेला समिति 2024 शुक्रवार से बल्केश्वर मेले का जो शुभारंभ होने जा रहा है, जिसमें हमारे आगरा शहर के सभी गणमान्य जनप्रतिनिधि, हमारे केंद्रीय मंत्री हैं प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल साहब हैं, हमारे राज्यसभा सांसद नवीन जैन जी हैं, विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी हैं, एमएलसी श्री विजय सवेरी जी हैं, राजश्री राकेश गर्ग जी हैं राज्य मंत्री, और अन्य जितने भी हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो, और हमारे पूरे समस्त बल्केश्वर मेला कमेटी के साथ 2024 का ये भव्य और दिव्य और अलौकिक मेला जो होने जा रहा है, जिसमें पूरी शिद्दत से सारी कमेटी लगी हुई है। स्वास्थ्य को लेकर भी इसमें मेला कमेटी बड़ी इसमें यहाँ व्यवस्था कर रही है कि जहाँ मेडिकल कैंप भी लगेगा और सारी व्यवस्थाएँ, जैसा कि अभी अध्यक्ष जी ने बताया है, सारी चीज़ें, चाहे वो बैराकेटिंग हो, महिलाओं का विशेष इस मेला कमेटी में बड़ा योगदान है और वह भी पूरी कमेटी के साथ जुड़कर और अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभाने में शिद्दत से अपनी भूमिका निभा रही हैं। और मैं यही कहूँगा कि 2024 का बल्केश्वर मेला एक ऐतिहासिक एक बड़ी लकीर खींचेगा। उस मेन जो मिशन है वो मिशन यही है कि हर भक्त की सुरक्षा हो और हर भक्त के चेहरे पे बाबा बल्केश्वर नाथ का नाम हो, बस यही। हर हर महादेव के साथ ये मेला गुंजायमान होगा और आगरा शहर में एक बड़ी लकीर खींचकर 2024 का बल्केश्वर का मेला नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। हमारे बल्केश्वर की पावन भूमि पर हर वर्ष की भांति जो लकी मेला जो चारों महादेव की परिक्रमा लगाता हुआ किया जाता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु परिक्रमार्थी होते हैं। नो पॉल्यूशन का हमने इस बार एक नया अभियान चलाया है, इसको लेकर हम अपने मेले को अच्छा बढ़िया, और आप लोगों की सहायता से, हमारे क्षेत्रवासियों की सहायता से, हमारी टीम की सहायता से, शासन प्रशासन की सहायता को लेते हुए हम इस कार्य को पूरा करेंगे। इसका उद्घाटन विधिवत रूप से इतवार को 28 तारीख को किया जाएगा। आप सबका स्वागत है, सारे क्षेत्रवासियों का स्वागत है, समूचे आगरे का स्वागत है। सोमवार को यह मेला रात को समापन होगा और मेरी पूरी टीम हमारे अध्यक्ष जी के दिशा निर्देश में लगी रहेगी और हमारे बीच, जैसे कि मैंने बताया कि बल्केश्वर के सब गणमान्य व्यक्ति, चाहे वह संजय श्रीवास्तव हों, चाहे प्रवीण लवानिया जी हों, चाहे वह किसी भी कारणवश कैसी भी व्यक्ति हों, सारे की सारे लोग एकत्रित होकर एक मंच पर, पहली बार आपको ऐसा लगेगा कि ना कि पूरे बल्केश्वर ने स्वागत किया है। स्वागत की कड़ी में हम सभी भक्तों का स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बाबा बल्केश्वर नाथ की जय। जो ये हमारे बल्केश्वर महादेव जी का प्राचीन मेला है, ये सभी हम बल्केश्वर मेला कमेटी के द्वारा हर वर्ष की धन लगाया जा रहा है और इसमें सभी जो हमारे से भक्त आएंगे, क्योंकि आगरे का सबसे बड़ा मेला है, इसमें परिक्रमा होती है, सभी महादेवों पर इससे भक्त जाते हैं और जल अभिषेक करते हैं। तो बल्केश्वर का ये मेला है बहुत ही विशाल है, इसमें हम सभी कार्यकर्ता और मित्रगण इस मेले को भव्य और दिव्य बनाएंगे और कहीं भी कोई किसी भक्त को असुविधा ना हो, इसके लिए पूरी कमेटी ने सभी अपने विभागों के द्वारा अपने अपने कार्य को चयन कर लिया है, जैसे प्राथमिक चिकित्सा, ठंडे पानी की प्याऊ, पार्किंग की व्यवस्था और खोया पाया केंद्र, और कोई भी हमारे जो भक्त हैं और जो भी जब परिक्रमार्थी हैं, किसी को किसी प्रकार का कष्ट ना हो, इसलिए पूरी कमेटी ने मेले को सफल बनाने के लिए ये कार्यक्रम रखा है। और मेले में हम सभी से निवेदन कर रहे हैं, भंडारा प्याऊ, शरबत की प्याऊ के सभी कोई भी पॉलीथिन का प्रयोग ना करें, इसके लिए हमने सभी से निवेदन करके सभी से कह दिया है कि कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे प्रदूषण हो। और भोले बाबा का मेला बहुत शांतिपूर्वक से हम सभी मनाएं, और सभी शहर के वासियों से मैं निवेदन करता हूं, सभी आए और मेले में भोले बाबा के दर्शन करके पुण्य लाभ कमाएं। पर ये तो समय के अनुसार बजेंगे और उसको धुनी जो है
इतनी नहीं होगी जिससे कि वायु प्रदूषण हो, एक मानक होगा भाई साहब ऐसा हो।